सीरियल अनुपमा में अभी तो पाकी की ये शुरुआत है, यानी पिक्चर तो अभी बाकी है। इतनी आसानी से पाकी को अकल कहाँ आने वाली है। इस बार मामला थोड़ा आगे जाने वाला है। पिछली बार तो कुछ चीजें ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से वो काव्या का साथ छोड़कर अनुपमा के साथ आ गई थी, लेकिन इस बार अभी काफी कुछ देखना बाकी है क्योंकि पाकी हदें तो अब पार करने वाली है और अब तभी तो अनुपमा के लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे कि आखिर पाकी को कैसे सही रास्ते पर लाया जाए। तो आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जी हाँ दोस्तों, जिसका तो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा और पाकी कुछ ऐसा ही करने वाली है। दरअसल अब काव्या उसे कहेगी कि तुम हमेशा क्या मुझे बेस्टी बेस्टी कहती रहती हो, तो और वो अब हम जैसे कि माँ माँ वाली चीजें होती है, उस अब काव्या को भी कहीं ना कहीं लगता है कि अब तो उसे उसका बच्चा भी होना ही चाहिए। तो अब वो काव्या को ही अब काव्या पाकी को ही अपनी साइड करने की कोशिश करने वाली है ताकि अनुपमा को और तरीके से तकलीफ दी जा सके और वो एक एक करके अनुपमा से सारे रिश्ते छीन ले। तो वही काव्या अब पाकी को कहेगी कि पाकी तुम क्यों नहीं मुझे बेस्टी की जगह माँ कहो, क्योंकि तुम्हें भी तो लगता है ना कि मैं सौतेली माँ जैसी नहीं हूँ। तो पाकी भी यहाँ पर अपनी मोम से बदला लेने के लिए बहुत ही बड़ी हदें पार करेगी और सबके सामने पाकी अब काव्या को माँ कह के पुकारने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पाकी को अब काव्या को मम्मी कह के जैसे ही पुकारेगी अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है पाकी से कि वो अपनी माँ को भूलकर काव्या को माँ कह के पुकार रही है। ये सुनकर घर वाले भी शॉक्ड हो जाएंगे और वनराज भी, और वनराज ने पहले ही काव्या को कहा था कि पाकी और तुम्हारा रिश्ता सुधरे इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनुपमा का रिश्ता उससे टूटे ये भी मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। अनुपमा इस बार बुरी तरह से टूटने वाली है जब पाकी के मुँह से वो काव्या के लिए माँ वर्ड सुनेगी। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत बुरा हाल अनुपमा का देखने को मिलेगा, लेकिन अब जल्दी ही वो वक्त भी दूर नहीं है जब पाकी अपनी गलती का एहसास होगा और उसे अपनी माँ की जरूरत पड़ने वाली है जल्द ही, और वो एपिसोड भी जल्द ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अनुपमा बुरी तरह रोते नजर आने वाली है और समर उसे संभालते दिखेगा। यहाँ दोस्तों अनुपमा यहाँ पर बिना कुछ बोले ही एकेडमी के लिए निकल जाएगी और समर भी उसके साथ साथ जाएगा और समर यहाँ तक बाकी से लड़ भिड़ेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काव्या को अपनी मम्मी कह के पुकारने की, तुम ही तो इस शादी के अगेंस्ट थी। लेकिन पाकी को अभी अकल कहाँ आएगी, वो तो अब यहाँ पर हदें पार कर चुकी है और अनुपमा को हर्ट कर चुकी है।